हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था वो पढ़ा था लीनियरली डिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंस। कोई वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंस कब होंगे और लीनियरली डिपेंडेंस डिपेंडेंट कब होंगे, ये हमने पढ़ा था। और साथ में बेसिस की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। इसमें हम फिर से एक बार बेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ से लेट डब्ल्यू बी अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस बी, यानी एक वेक्टर स्पेस है वी, उसका एक सब स्पेस है डब्ल्यू। अ सेट ऑफ वेक्टर्स बी, कोई एक सेट ऑफ वेक्टर्स है वी वन वी टू डॉट डॉट वी के इन डब्ल्यू, जो कि डब्ल्यू में है, डब्ल्यू के अंदर है, जो कि सब स्पेस है। इस सेट टू बी बेसिक्स, अगर वो जो है सेट ऑफ वेक्टर्स बेसिस कहलाता है इफ फर्स्ट कंडीशन है द सेट बी स्पेन ऑल ऑफ डब्ल्यू, दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू स्पेन वी वन वी टू डॉट डॉट वी के। यानी कि अगर सपोज कि डब्ल्यू में जो है वो हमारे पास वी वन वी टू डॉट 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 वी के एंड ये तो होंगे होंगे, इसके अलावा वी के प्लस वन, इसके अलावा वी के प्लस वन, वी के प्लस टू, इस तरह से वी एम तक है सपोज। तो ये सारे जो वेक्टर्स हैं, ये सारे वेक्टर्स जो डब्ल्यू के जो वेक्टर हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि एल्फा वन वी वन प्लस एल्फा टू वी टू प्लस डॉट डॉट एल्फा के वी के इक्वल टू सम ऑफ वी आई, जहाँ पे वी आई क्या है यानी इसके वेक्टर्स वी वन वी टू वी वन वी टू से वी एम तक, इन वेक्टर्स की फॉर्म में लिखे जा सकते हो। तो वो फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगी, यानी कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। सेकंड है हमारे पास द सेट बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो सेट जो बी जो होना चाहिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे पास अगर एल्फा वन वी वन प्लस एल्फा टू वी टू प्लस डॉट 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 एल्फा के वी के इक्वल टू हम जीरो पुट कर दें, तो ये जीरो कब होना चाहिए, ओनली इफ एंड ओनली इफ ये जीरो होना चाहिए। इसकी एक कंडीशन होनी चाहिए बस कि अगर एल्फा वन बराबर एल्फा टू बराबर डॉट 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 एल्फा के बराबर जीरो, यानी ये एक ट्रेवल सॉल्यूशन ही हो, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं हो। तो ये दोनों कंडीशन अगर कोई हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स बी जो सेट ऑफ वेक्टर वेक्टर्स बी जो फॉलो कर लेगा, तो उस कंडीशन में कहेंगे जो बी जो है वो बेसिस है फॉर डब्ल्यू। और इन द अदर वर्ड्स हमें कैसे, बेसिकली बेसिस मतलब उसका बेस है एक तरह से। अभी हमारे पास एक एग्जांपल है जहाँ पे हमारे पास सो दैट द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स फॉर्म द बेसिस फॉर आर क्यू। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स क्या है हमारे पास, ई वन बराबर ये है, ई टू बराबर ये है, ई थ्री ये है, यानी 100 010 1001, ये जो है ये शो करना है कि हमारे पास आर क्यू, यानी कि कोई भी वेक्टर जो कि इस फॉर्म में है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इस फॉर्म में है कोई भी वेक्टर्स उसको जनरेट कर सकता है, उसके लिए ये वेक्टर्स जो है इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमारे पास सपोज कि एक इसका जनरल जो वेक्टर है ये है हमारे पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो यहाँ पे हम एक्स बराबर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली एक्स वन 100 प्लस एक्स टू 010 प्लस एक्स थ्री 001, तो ये हो गया। तो ये हो गया एक्स वन ई वन प्लस एक्स टू ई टू प्लस एक्स थ्री ई थ्री, यानी कि यहाँ से हमने शो हो गया कि एक्स जो है यानी वेक्टर्स जो है ये वेक्टर जो है वो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है ई वन ई टू ई थ्री की में। तो ये बेसिकली सारे ही सेटों को रिप्रेजेंट करता था। तो इस कंडीशन में कहेंगे तो दस सेट बी बराबर ये है, और अब सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट भी चेक करना है। सेकंड कंडीशन क्या थी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लेट सी वन ये ई वन प्लस सी टू ई टू ये हमारे पास करेंगे तो ये हो जाएगा सी वन, अगर यहाँ पे करेंगे तो 100 100 प्लस सी टू जीरो सॉरी 10 प्लस सी थ्री, और ये हो जाएगा 001, और इक्वल टू है हमारे पास 00 0। तो ये हो गया हमारे पास सी वन 00 प्लस 0 सी टू 0 प्लस
जीरो जीरो सी थ्री इक्वल टू जीरो जीरो, ही है ये हो गया हमारे पास। तो इनको ऐड करने पे ये सी वन प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, इधर जीरो प्लस सी टू, तो ये सी टू और ये जीरो और सी थ्री, ये हो गया इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, एम्प्लाई सी वन बराबर जीरो, सी टू बराबर जीरो, सी थ्री बराबर जीरो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है ई वन ई टू ई थ्री जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब इन दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये ई वन ई टू और ई थ्री जो है वो बेसिस है फॉर आर क्यू। अब फिर से हम नीचे के एग्जाम्पल्स पे ले जाते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16.6। ये एग्जाम्पल बेसिकली क्या कह रहा है हमारे पास, एफ बी बराबर बी वन बी टू बी थ्री इज अ बेसिस फॉर आर क्यू, इज ये चेक करना है बी वन बी टू बी थ्री। तो बेसिकली ऐसे कुछ चेक करने के लिए हम कुछ चेक नहीं करते, हर उसको जनरेट करने की कोशिश नहीं करते। वी वन को लिखो टू जीरो माइनस फोर, और इसको लिखो माइनस फोर माइनस टू एंड एट, और इसको लिखो वी थ्री को फोर माइनस सिक्स माइनस सिक्स, और चेक करो कि ये ए बराबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं। क्योंकि ये अगर इस फॉर्म में कोई लिखा जा सकता है, इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है, इन रो इक्विवेलेंट की फॉर्म चेंज करके, रो इक्विवेलेंट रो के जीरो बना के, मतलब यहाँ पे हमारे पास वन का डिवाइड करना होगा पहले, यहाँ पे फोर का डिवाइड करना होगा, या फिर पहले हम इसको जीरो बनाएंगे फिर इसको जीरो बनाएंगे, इस तरह से चेंज करके कन्वर्ट करके अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो इसका मतलब रैंक जो है वो थ्री है, रैंक थ्री है। तो यहाँ मतलब इसे सी वन बराबर सी टू बराबर सी थ्री जो है वो जीरो सॉल्यूशन होगा। और साथ में ये जो अब चूंकि वेक्टर्स भी यही बन चुके हैं इसके, इस वेक्टर्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये जो है अल्टीमेटली जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पढ़ा था कि ये है वो आर क्यू को जनरेट करते हैं। तो यहाँ से ये जो वेक्टर्स हैं तीनों वेक्टर्स ये भी आर क्यू के लिए जनरेट करेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बी जो है वो बेसिस है आर क्यू का। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल आर फोर का है। कंसिडर द वेक्टर्स, ये वेक्टर्स है हमारे पास वी वन वी टू वी थ्री, तो इस पे को ये हमें चेक करना है, लेट डब्ल्यू बराबर स्पेन वी वन वी टू वी थ्री, इज बी बराबर वी वन वी टू वी थ्री इज बेसिस फॉर डब्ल्यू, बेसिस फॉर डब्ल्यू ये हमें चेक करना है। तो बेसिकली इसमें क्या है, डब्ल्यू में क्या है हमारे पास वी वन वी टू वी थ्री। तो यहाँ से बाई बी स्पेनिंग द सेट फॉर बी वी नीड टू ओनली डिटरमाइन इज बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये हमें चेक करना है बी जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए ये जो है वो इसको फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पर रैंक जो है उसकी ये है हमारे पास टू, रैंक जो है वो टू है, यानी कि दो नॉन जीरो रोज हैं तो रैंक टू है, और तो रैंक टू है बट यहाँ पे हमारे पास ये कितना थ्री रैंक होती है, हमारे पास रैंक थ्री होती है, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सॉरी सॉल्यूशन तो अब भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट इसके मोर देन वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे ये जो है लीनियरली डिपेंडेंट है। या अदरवाइज हम चेक भी करें तो बी वन माइनस वी टू, बी वन माइनस वी टू करेंगे तो ये वी थ्री की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट है। तो यहाँ से हम कहेंगे ये जो है वो तो बेसिक नहीं है। इसी तरह से ये एग्जाम्पल भी आप चेक कर सकते हैं, फाइंड द बेसिस फॉर ऑल वेक्टर्स स्पेस ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स, और इस एग्जाम्पल को भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस।